सिंधिया समर्थक एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। कृष्ण और गोपियों को नाचता देख खुद भी नाचने लगे। ग्वालियर में बालाजी मंदिर गोलपाड़ा की विशाल राम हनुमान रथ यात्रा जब हजीरा चौराहे पर पहुंची तो मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने पुत्र के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए और रासलीला कर रहे भगवान कृष्ण और गोपियों संग जमकर नाचे। पिता को नाचता देख कैबिनेट मंत्री के पुत्र रिपु धर्मन सिंह भी यह देख अपने आप को नहीं रोक पाए और हनुमान सेवकों के साथ नाचने लगे और झूमने लगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आज हनुमान जी महाराज ने पूरे शहर में सोटा घुमा दिया है। उन्होंने बता दिया कि वो क्या है, वो अजर अमर थे, हैं और रहेंगे। और आज ग्वालियर शहर में ये दिखाई दिया है कि हनुमान जी महाराज जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे, ये आज सिद्ध हो गया है। कोटेश्वर मंदिर से विशाल रथ यात्रा निकाली गई है जिसमें आज एटा के कलाकारों ने काली अखाड़ा, राम दरबार, केसरी और अंजना का दरबार और रासलीला जिसने दर्शकों का और भक्तों का मन मोह कर इसको आज ऐतिहासिक बना दिया है। और बहुत सारी जगह इसका स्वागत हुआ है, भव्य बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है। यहाँ तक कि जो कहते हैं कि मुस्लिम ऐसे वैसे, जबकि मुसलमान भाइयों ने
इतना भव्य स्वागत किया है कि हम सब हिंदुओं का, दिल ग्वालियर वालों का गदगद हो गया है। जय जय श्री राम। ग्वालियर में प्रतिवर्ष कई वर्षों से ये भव्य यात्रा निकाली जा रही है, हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी भगवान की शोभा यात्रा, राम जी की उसमें राम दरबार भी है। आज इसमें विशेष करके इस बार अंजनी माता और हनुमान जी बाल रूप में दिखाए गए हैं और उनके पिता दिखाए गए हैं, और इतनी यात्रा जो निकली है इस तरह की भव्य यात्रा अभी तक ऐतिहासिक रूप से ग्वालियर में पहली बार निकली है। पहले भी निकलती रही है लेकिन आज उत्साह देखने लायक था लोगों का, इतना भयंकर उत्साह था लोगों में कि जिसका कोई जवाब नहीं। मंत्री जी आज उनकी भी भगवान के प्रति बहुत इस तरह आस्था और श्रद्धा है, और इसी कारण मंत्री जी ने भी आके बहुत भाग लिया और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मन से भाग लिया है हनुमान जी महाराज की इस शोभा यात्रा। उन्होंने जो भी किया वो सब लोगों के सामने है, उत्साह में थोड़ा सा उन्होंने अपना भगवान के प्रति समर्पण दिखाया है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।